देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। पूरे देश भर में ऐसा माहौल बन रहा है, दिल्ली में हमने देखा क्या हुआ, मुंबई में अब ये हो रहा है, देश के कई और हिस्सों में भी हो रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? Well, it's very sad and very tragic, and it's not right. It's unconstitutional. It's undemocratic, and I feel the fact that citizenship in our country is being decided on the basis of religion defeats the very purpose of our constitution. Thank you. आखिरी सवाल, मैम, सरकार कहती है कि बस डर का माहौल बनाया जा रहा है। हुमा, सरकार का कहना है कि ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं? सरकार के लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप क्या समझ पाई पूरी स्थिति को? सर, डर का माहौल तो है ना, इतने सारे हिंदुस्तानी यहाँ पे खड़े हैं, डर का माहौल तो बन चुका है। जो लोग इतिहास की रवायतों को भुला चुके हैं, जो इतिहास की गरिमा को और इतिहास के बलिदान को भुला चुके हैं, वो आज के दिन जो इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 19 दिसंबर, जिस दिन दो लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खां को, उस सांझी शहादत का वो दिन जिस सांझी विरासत के लिए गांधी ने इस देश के अंदर आजादी का बिगुल बजाने के लिए अगस्त क्रांति का एहसास कराया था, आज वो दिन, आज पूरे देश के अंदर सामाजिक संस्थाओं ने जो आज ये देश में ऐसी सरकार का जो बाबा साहब के उस संविधान को अंगूठा दिखाना चाहती है, उनका मुकाबला करने के लिए आज जो एक आगाज किया है, एक शुरुआत की है। मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे सुनाई देते हैं, इससे क्या अचीव होने वाला है? मुझे लगता है कि मुर्दाबाद ऐसे लोगों के लिए मुर्दाबाद नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो इतिहास में नाम लिखाने के चक्कर में जिन्होंने अपने वंशजों का इतिहास खत्म कर दिया। मुझे किसी ने, मैं बाहर था, मैं आया तो अखबार में पढ़ा मैंने कल रात कि किसी ने कहा कि जलियांवाला बाग की याद दिला दी इस सरकार ने, और एक ने कहा कि ये डायर है, उनकी डायर और अडवायर की, मुझे लगता है डायर और अडवायर दोनों की, जिसने ऑर्डर किया था वो और जिसने गोली चलाई थी वो और जिन्होंने गोली चलवाई थी, आज उनको अपनी सूरत देखनी चाहिए। कि सरकार का कहना है कि बेमतलब एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को बताया नहीं जा रहा है, बस डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश भर में पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए ऑपोजिशन द्वारा। मुझे नहीं लगता है कि इन विद्यार्थियों में ये तमाम लोग जो है किसी इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, और ये बदकिस्मत है ये सरकार जो कह रही डराया जा रहा है, डरे तो वो खुद हैं, किस बात के लिए? उनको ये नहीं मालूम कि जिनके लिए उन्होंने सोचा कि हमें कानून जब बनाए जिससे कि हमें वोट मिलेगा, वही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जिस आसाम में उन्होंने वोट लेने के लिए किया, जिस NRC को उन्होंने शुरू किया, जिस CAA को लेकर आए हैं, वो दोनों ही कानून को लेकर आज सारा हिंदुस्तान जो है उनके खिलाफ है। पर क्या इस ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तमाम लोगों को बताया जाए, कानून अपने हाथ में ना लें? जिस तरीके का माहौल हम दिल्ली में देख रहे हैं, अन्य इलाकों में देख रहे हैं, सर, वो बहुत अच्छा संदेश नहीं देता? मुझे लगता है कि मुझे आपने ये सवाल किया है, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी है, आपने ये सवाल किया है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दिया कि वहां पर उस बसों में आग लगाने वाले कौन थे? वो तो दिखाई दिया, शायद आपके जो है चैनल ने दिखाया, सब दिखाया था और लोगों ने देखा। अगर उन लोगों ने देखा है तो मुझे खुशी है कि मैं आपके चैनल को जरा पढ़ के फिर से बोल रहा हूँ कि आपके चैनल में दिखाया है कि किस तरह से पुलिस की वर्दी ना होने के बावजूद वो कौन लोग थे
जिनके पास में पुलिस की लाठी नहीं थी वो कौन लोग दंगाई थे जो पुलिस के साथ में दंगा भड़का रहे थे, ये आम आदमी यहाँ पर कौन ऐसा आदमी। वो बता दिया गया था सिविल क्लोथ में पुलिस वाले ही थे वो, सिविल कोर्ट में कह जो पुलिस वाले थे वो, तो पुलिस वाले कभी इस तरह से नहीं आते हैं। वो लाठी जो थी पुलिस वालों की नहीं थी, और पुलिस वालों की लाठी जो डिफरेंट होती है, शायद वो लाठी जिस संस्था की थी, संस्था वालों को अब आजकल वो लाठियां पुलिस वालों को सप्लाई करना शुरू कर दिया है तो मैं नहीं जानता। ये आगे जो ये सिलसिला है ये बढ़कर कहां जा रहा है? ये बढ़कर कहां जाएगा? ये बढ़कर इस देश के अंदर इस सरकार को उसके परखचे उड़ाएगा जो इस देश की विरासत को खत्म करना चाहती है।